पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वाह ईशा, तुम्हारे तो मजे। अब युविका के बाद अगला नंबर शादी का तुम्हारा लगता है। चेहरा दिखा अपना। चेहरा तो देखो कैसे खिल रहा है, पक्का मन में लड्डू फूट रहे हैं। चलो युविका, तुम जाके तैयार हो जाओ। शादी के दिन दुल्हन बहुत वक्त लेती है तैयार होने में। सुंदर जो लगना है ना पंडित जी, हमारे जो दूल्हे राजा है ना, वो टाइम के बड़े पाबंद है। क्यों युविका? अच्छा, तो मतलब आज दूल्हे को वेट कराना है, राइट? चलो चलो लड़कियों, जाके युविका को तैयार करो। भैया आप कहाँ हो? मैं इतनी देर से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो मीटिंग का क्या हुआ? मैं जानता हूँ मेरी बहन, आप फोन कर रही थी, मैं बस यूं ही थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैंने उठाया नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यश के लिए हार्ट मिल गया है और लकीली हार्ट मैचिंग का मिला। सच में? हाँ बहन, और ट्रांसप्लांट जो है वो आज रात को ही करने का सारा अरेंजमेंट किया है मैंने। थैंक यू। सिया, सिया बेटा, यश भैया के लिए मैचिंग हार्ट मिल गया। ओह माय गॉड मम्मा, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। अक्षत भैया, अक्षत भैया, यश भैया के लिए हार्ट मिल गया है। सच हुआ? अमर भैया ने अभी बताया। He's on call. लाओ। Congratulations, pops. अरे हाँ, बच्चे सुनो, आज पेमेंट्स करनी होगी जो डील की हमने, बस इसका बाकी सारी चीजें जो है मोडालिटीज तैयार कर लो, वर्कआउट कर लो, कौन से अकाउंट में पैसा डालना है, यू हैव टू डू द नीडफुल, और ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांट आज रात को ही है। डोंट वरी पॉप्स, मैं सब फिगर आउट कर लूंगा, आपका काम हो जाएगा। आई एम सो सो हैप्पी। अमर भैया आप घर ही आ रहे हैं ना, तो फिर हम सब साथ में जाके यश को न्यूज देते हैं। हाँ ठीक है बच्चे। Just got your message. Hi. मैंने भी तुम्हारा मिस कॉल देखा। ओह, गलती से लगा होगा। Actually देखिए शादी चल रही है ना, तो preparations में मैं बहुत busy हूँ। तो coordination के लिए मुझे बहुत सारे फोन करने थे। लेकिन पता नहीं क्यों बार-बार तुम्हें फोन लग जा रहा है। Really? इसका मतलब तो सिंपल है ना। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बहन से और उनकी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। Oh please, को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। मैं इम्पोर्टेंस का दे रहा हूँ? इम्पोर्टेंस तो तुम दे रही हो ना, वरना इतनी बार गलती से कॉल नहीं लगता। चलो इतनी बातें हो रही है तुमसे, तो एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। आजती के हाथों में हमने कलीरे बांधे और उसमें से इस कलीरे के रसम में एक कलीरा मुझ पे आके गिरा। मम्मा कह रही थी शुभ शगुन होता। हाँ आई नो, इसका मतलब है कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलने वाला है। मिलने वाला है? शायद मिल गया है। तुम मुझे टीज कर रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ टीज कर रहा हूँ ईशा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शायद मैं ही वो लड़का हूँ जिसके लिए आज तुम्हारे सिर पे कलीरे गिरे। अक्षत बाबा, आपको अमर सर बुला रहे हैं। ओह नो, कहीं ये ईशा ना सुन ली। पॉप्स को बोलो कि मैं आ रहा हूं। ये अमर जी कौन है अक्षत? अमर मेरा बिजनेस पार्टनर है ईशा। वो अमर के घर पे कोई मिसअप हुआ है तो मुझे अर्जेंटली जाना होगा। अमर तो मेरा बिजनेस पार्टनर है ही, प्लस मेरी फैमिली में कोई है नहीं,
तो अमर और उसकी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। या श्योर, प्लीज कैरी ऑन। और सुनो, कुछ भी जरूरत हो ना, कहीं भी तुम्हें लगे कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज कॉल मी। ओके, हाँ श्योर, थैंक्स ईशा। शगुन का थाल, मिठाई, ओके, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस मेरा राजकुमार अब तक तैयार नहीं है। अरे नील, नील बेटू, तैयार हुए कि नहीं? बस दो मिनट। अरे पर दरवाजा तो खोलो। नील बेटू, ये क्या बेटू, अभी तक तैयार नहीं हो तुम? इतनी देर, तुम तो दुल्हन को भी शर्मा दोगे। पापा मैं ना मैं सोच रहा था कि शादी के दिन इतना स्पेशल लगूं, इतना हैंडसम लगूं कि यूवी की नजरें ना हटें मुझसे, तो उस चक्कर में डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या पहनूं। नहीं हटेगी बेटा, यूविका की नजर बिल्कुल तुमसे नहीं हटेगी, हटनी भी नहीं चाहिए। काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, तुम्हें दूल्हा बना देखकर कितना खुश होती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ ही है, वरना मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शादी की सारी तैयारियां मैंने अकेले कर ली। तो जाहिर है वो हमारे साथ ही है, वही सब करवा रही है। मिस्टर नील भारद्वाज, डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, प्लीज आपको पिकअप करना पड़ेगा अगर आज चाहिए। पापा मैं क्या कह रहा था, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं बेटा, तुम और वक्त ले लो, मैं इंतजार करूंगा, कोई बात। आदा बाबू, नहीं बस हम कुछ देर में निकल ही रहे हैं, ये सिर्फ वक्त पे पहुंच जाएंगे। जी पापा आप चलिए ना, मैं वो एक्चुअली क्या है ना कि युविका के लिए गिफ्ट लेने जाना है। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? मैंने वादा किया था युवी से कि शादी वाले दिन उसे उसकी लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट दूंगा, बस वही लाना। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, जान सकता हूँ गिफ्ट क्या है? प्रेम अंकल की वॉच, वही वॉच जो युविका हमेशा पहनती थी। आग में जल गई थी ना पापा वो, लेकिन मैंने उसे रिस्टोर करवाया, उसकी डिलीवरी होने वाली थी अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा, वही लाना है। ये सिर्फ एक सरप्राइज गिफ्ट नहीं होगा पापा, ये युविका के लिए उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक हो, जो कि उसे हर वक्त अपने पापा के साथ होने के एहसास की याद दिलाएगी। बस इतना नेक ख्याल है बेटा। बेटू पता नहीं क्यों पर इस तरह अचानक तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसी बात है क्या? चलिए एक काम करते हैं, नहीं जाता मैं आपके साथ चलता। हाँ नहीं नहीं बेटा, चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ बेटा, तुम गिफ्ट ले आओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल्दी से आ जाना बेटा, ठीक है? हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। वॉच तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी जब तुम ये वॉच पहनोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे स्पेशल डे पे तुम्हारे पापा का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे पापा हमारे साथ, हमारी लाइफ के सबसे स्पेशल डे पे। हेलो, नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ, वो प्लान में ना थोड़े चेंजेस हो गए थे, एक्चुअली मेरी बारात निकल चुकी है, लेकिन मैं अभी भी आई। अब एक काम करिए, वो गिफ्ट पैक करके रखिए, मैं अभी आता हूँ। वॉच देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आने वाले हैं ना योगी, जो तुम फील करने वाली हो, वो तो बस दी, कितनी गॉर्जियस लग रहे हो। नील जीजू की गारंटी ना मैं नहीं ले सकती, आपको देखकर एक बार फिर आप पे ना फिदा हो जाएंगे। युविका तुम रेडी हुई हो कि नहीं? बेटा तुम कितनी प्यारी लग रही हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।